हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपको हवा में मजार की ज़ियारत कराने वाला हूं, जो कि ये मजार का एक चिल्ला शरीफ है, जो कि सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन साहब की चिल्ला है, चिल्ला मुबारक। तो दोस्तों, यहां पर सालाना उर्स बनाया जाता है, जो कि आप अभी देख रहे हो काफ़ी लंबी ये चादर जो अभी पेश कर रही है एक के पीछे एक जोड़ करके। तो दोस्तों, ये हवा में क्यों है मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा और इस चिल्ले के आसपास घूम करके बताऊंगा कि किस प्रकार से ये हवा में और ये एक पहाड़ की नोक पर टिका हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और आगे शेयर करना, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। अभी आप पहले ये जो चादर की रस्म होती है वो निभाई जा रही है, तो आप देखिए अगर किस तरीके से पूरा गांव एक के पीछे एक चादर जोड़ करके काफ़ी लंबी चादर पेश करते हैं, और अभी ये चिल्ले मुबारक में ऊपर जाएगी और एक के ऊपर एक रखी जाएगी, अपनी रस्मों के अनुसार ये चादर को पेश करेंगे। तो ये एक के पीछे एक जुड़ी हुई है, तो आप देख सकते हो। दोस्तों, अभी मैं आपको इसके आसपास घूम करके बताऊँगा किस प्रकार से ये हवा में ये चिल्ला मुबारक जो कि कायड़ गांव में स्थित है, और अभी मैं आपको ऊपर भी ज़ियारत कराने के लिए लेकर के आऊँगा और ऊपर का सीन भी बताऊँगा और इसके आसपास भी पूरा घूम के बताऊँगा किस प्रकार से ये एक कुदरत का करिश्मा है, क्या है आप भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये एक हवा में है ये पूरा चिल्ला मुबारक। तो अभी ये चादर की रस्म पूरी की जा रही है, अभी मैं आपको घूम करके बताता हूँ आसपास से किस प्रकार का सीन है और क्या नज़र आता है हमें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर जरूर करना, क्योंकि और भी लोग यहाँ की ज़ियारत कर पाए ये हवा में जो चिल्ला मुबारक है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ये अपने आप ही मतलब धरती को चीर करके ये पहाड़ ऊपर आया है, इसके ऊपर चिल्ला मुबारक बना हुआ ये हवा में है पूरा, ये चारों तरफ से आप देख सकते हो किस प्रकार से सिर्फ एक तिकोना आकार में बना हुआ है ये गोल। अभी मैं आपको पूरा घूम के बता देता हूँ किस प्रकार से ये चिल्ला मुबारक बनाया गया होगा, आप भी देख सकते हो ये हवा में है पूरा। दोस्तों, ये सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन साहब का चिल्ला मुबारक है, जो कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, और मैं अभी आपको अंदर ऊपर चल के भी ज़ियारत कराऊंगा। ये पूरा हवा में देख सकते हो किस प्रकार से पूरी यहाँ के आसपास की ज़मीन समतल है, लेकिन यही हिस्सा एक भाग आया हुआ है जो कि इसको एक हवा में चिल्ला मुबारक बताया गया है। तो दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा करिश्मा है, ये आपको जयपुर रोड कायड़ में स्थित मिलेगा, अजमेर का जो कायड़ का विश्राम स्थल है कायड़ गांव, वहाँ पे सर्व समाज की तरफ से यहाँ पे उर्स सालाना उर्स को मनाया जाता है। उससे पहले एक दिन पहले माता रानी का जागरण भी यहाँ करा जाता है, जो कि काली माता का मंदिर भी है यहाँ पे। तो दोस्तों, ये एक हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी है ये गाँव। तो ये आप पूरा नज़ारा देख सकते हो किस प्रकार का सीन है, और अभी ऊपर भी चलेंगे, अभी ऊपर का भी सीन मैं आपको बताऊँगा। यह भी पूरा हवा में है, किस प्रकार से क्या निकला है, ये एक बड़ा करिश्मा है कि ये पहाड़ अपने आप निकला बताया। यहाँ पे कुछ लोगों से बात करी थी हमने। दोस्तों, इंटरव्यू के साथ भी मैं अगला वीडियो भी अपलोड करूँगा, नहीं तो अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि कई लोगों के हमने इंटरव्यू भी लिए हैं इसमें, जिसमें बताया गया है कि ये पहाड़ अपने आप ही निकला है और चिल्ला मुबारक एकदम हवा में आ गया है ऊपर, जो कि ये देख सको किस प्रकार का सीन है पूरा, मैं आपको यहाँ से घूम करके बताता हूँ। अभी यहाँ पे लंगर की व्यवस्था भी करी जा रही है, यहाँ पे मीठा लंगर बनाया जाता है, जो कि सब धर्म के खाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बोलते हैं कि सभी प्रकार की मन्नत पूरी होती है। वो ये गांव एक अनोखा काम गांव है, यहाँ का सबसे अलग अजमेर में कायड़ कोने में स्थित ये गाँव सबसे अलग एक सभ्यता प्रस्तुत करता है, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है ये गाँव। यहाँ पे एक दिन पहले माता रानी का जागरण करा जाता है, जिसमें सभी मुस्लिम भाई बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं, और दूसरे दिन सालाना उर्स मनाया जाता है यहाँ पे चिल्ला मुबारक, सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन बाबा का ये चिल्ला मुबारक है। अभी चलते हैं ऊपर और ज़ियारत करते, और आपको भी ज़ियारत कराता हूँ, मैं ऊपर का सीन भी बताता हूँ किस प्रकार का सीन है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे मतलब रास्ता बहुत थोड़ा सकड़ा है, इसलिए मैं वीडियो ये पूरा कैमरा घूम नहीं पा रहा है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ झूले और मेले का आयोजन करा जाता है, सालाना उर्स जो मनाया जाता है, तो काफ़ी बढ़िया सीन है यहाँ पे। अभी मैं काफ़ी ऊपर तक आ चुका हूँ। दोस्तों, ये हवा में इसलिए बोला जाता है इसको, क्योंकि एक पहाड़ की नोक में और यहाँ पर हमेशा हवा चलती रहती है, यहाँ पर आपको ठंडक का अनुभव हमेशा होता रहेगा। तो दोस्तों, अभी जैसा कि आपने नीचे देखा था, काफ़ी लंबी चादर यहाँ से ले जाई जा रही थी एक के पीछे एक जोड़ के, वो अभी अंदर चढ़ाई जा रही है सभी रस्मों के साथ में, जो भी रस्म है वो निभाई जा रही है।
तो दोस्तों इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करना। मैं अभी आपको जगह छोटी सी ज़्यादात कराने की कोशिश करता हूँ, जिन्ना मुबारक अभी क्योंकि हवा में बताया जाता है। और पूरे इंटरव्यू पूरी जानकारी के साथ अगला वीडियो भी जल्दी आने वाला है। तो दोस्तों ये पूरा देख सकते हो आप किस प्रकार का नज़ारा, अभी हम काफ़ी ऊपर है, किस तरीके से ये पहाड़ अपने आप ही निकला है, अपने आप ही ऊपर उभर करके आया है। और इसके ऊपर ये चिल्ला मुबारक है। तो ये देख सकते हो ये मेले का आयोजन करा गया है, तो यहाँ पे कई झूले आदि की व्यवस्था भी करी गई है और कई दुकानें भी लगाई गई है। तो ये पूरा सीन है कुछ इस प्रकार का। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और आगे शेयर करना, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।